एपीसी में कश्मीर एक उन्होंने रखा है जी एजेंडे पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और कश्मीर कमेटी जो है वो उसकी सरबराही की है मौलाना साहब ने कई साल। अब देखते हैं कल कश्मीर के ऊपर वो क्या बात करते हैं, लेकिन ये जहन में रहे कि जमीयत उलमाए हिंद या जमीयत उलमाए इस्लाम, ये नजरियाती तौर पे मैं उनके नजरिए के हवाले से बात कर रहा जी हूँ, सियासत को छोड़ दें। वो जो कश्मीर में जिहाद होता रहा है उसके मुखालिफ रहे हैं, मुखालिफ रहे। ठीक है, और उन्होंने कब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी भी कश्मीर के जो जिहाद है या जमीयत उलमाए हिंद जो है उन्होंने कभी भी कश्मीर के में जो मुजाहिद रहे हैं। मुजाहिदीन जाते रहे हैं, जिहाद होता रहा, उसको उन्होंने जिहाद नहीं कहा कभी भी। तो वो अब कल क्या बयान देते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब नहीं जा रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बिलावल साहब एक हफ्ते के लिए स्कर्दू जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले से उनका एक हफ्ते का दौरा स्कर्दू जो था वो तैयार था और ज़्यादा जी अहम है गालिबा मौलाना फजलुर रहमान साहब की एपीसी से, तो एक डेलीगेशन उसमें शरीक होगा आके। ये वो एपीसी है जो मौलाना साहब की एपीसी है। देखें बात ये सारी कि इस वक्त जरा मुल्क की सूरत हाल देखें ना, इस वक्त मैंने बता रहा कि कोई फैसला आपको कुछ नहीं पता कि खित्ते के वाकयात किस वक्त किस रुख पे चले जाएं, आपकी जंग बहुत बढ़ी है।